कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IITG एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आइए चलिए क्लास 11th के लेक्चर्स को आगे हम बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में जैसे हमने देखा था मॉडुलस के बारे में सारी चीजें देखी, मॉडुलस के इक्वेशन देखा, इनइक्वालिटी देखी। सबसे पहले हमने इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद मॉड के बारे में पढ़ा, फिर दोनों को मिक्सअप करा, मिक्सअप करके हमने मॉडुलस इक्वेशन बनाया, मॉडुलस इनइक्वालिटी बनाई। अब आगे आज जो हम शुरू करेंगे वो लॉगरिथम शुरू करेंगे, और लॉगरिथम पढ़ेंगे, फिर लॉगरिथम में लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी पढ़े, लॉगरिथमिक इक्वेशन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, फिर लॉग में मॉड को मिक्स करेंगे, फिर लॉग मॉड मिला के इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर लॉग मॉड मिलाकर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। ये सारी संभावनाएं हैं, ठीक है ना। तो उनके हिसाब से हम अलग अलग चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपने, आपके लिए ये क्लास 10 तक तो आप नहीं पढ़ते हैं, मॉड वगैरह थोड़ा बहुत नाम सुना रहता है लेकिन लॉग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी नई चीजें थोड़ा बारीकी से सीखेंगे। कुछ नया लगे तो वीडियो को पॉज करके या पीछे करके, आगे पीछे करके, जो भी करके, जैसे आपको सुविधा हो वैसे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। नई चीजें थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगी चीजें, आसान चीजें, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज हम क्लास 11th के अगले लेक्चर में। ये हमारा क्लास 11th का अगला टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम को इन शॉर्ट हम एलओजी लॉग भी लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं या लॉग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये इस तरह से दिखाया जाता है या ऐसे एलओजी लॉग लिख के दिखाया जाता है, ठीक है। आगे इसी में एक छोटा सा टॉपिक इसी का समझेंगे जो कि है एंटी लॉगरिथम, ठीक है। तो एंटी लॉगरिथम, ठीक है, वैसे इसका इस्तेमाल अब कम होता है। ये लॉग वॉग जो है ना, ये पहले जब पुराने जमाने में जब साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह नहीं हुआ करते थे और साइंटिस्ट को बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन करने पड़ते थे, उनकी जरूरत होती थी लैब में, या बहुत मैथमेटिकल बड़े बड़े एक्सप्रेशन थे, उनके कैलकुलेशन थे, उन सब चीज़ों में लॉग को इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। आज के डेट में अब बहुत सारे बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर तक आ चुके हैं तो इनकी रिलेवेंसी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अब चूंकि पढ़ने का ट्रेंड है, क्वेश्चन में आता है, सिलेबस में है, अभी भी केमिस्ट्री वगैरह में भी आपको क्लास 12th में खूब सारा लॉग की चीज़ों इक्वेशन में लॉग मिलेगा। इवन मेडिकल वालों तक को लॉग, केमिस्ट्री में लॉग की जरूरत होती है, इंजीनियरिंग तो यूज होता ही है। तो है बहुत आसान चीज, शुरू में थोड़ा नया लगेगा तो इसलिए कुछ कष्ट हो सकता है, पेशेंस रखेंगे चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं कि क्या है, करते क्या है, कैसे क्या है। हम इन शॉर्ट इसे एलओजी लॉग लिख के चलेंगे, लॉगरिथम, ठीक है। ये एक कैलकुलेशन का तरीका है बस, लॉग, ठीक है ना, कैलकुलेशन का तरीका है, पहले के जमाने में था लेकिन रिलेवेंसी अभी थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं क्योंकि सिलेबस में है, आता है, क्वेश्चन में यूज होता है। तो ऐसे लॉग लिखा जाता है, वाई इज इक्वल टू, ऐसे पढ़ा जाएगा, वाई इज इक्वल टू लॉग ए विथ बेस बी। क्या पढ़ेंगे, वाई इज इक्वल टू लॉग ए विथ बेस बी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको इंडेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडेक्स, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो एल ओ जी, ऐसे ऊपर में ए और नीचे में बी, तो ये जो नीचे में लिखा गया दैट इज कॉल्ड एज द बेस, और ऊपर वाली चीज क्या हो गई, इंडेक्स, ठीक है। तो जैसे कहीं अगर लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू log 25 विथ बेस 2, ऐसे लिखा हुआ हो सकता है, या कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, log y इज इक्वल टू log 8 विथ बेस 2, ठीक है। या ऐसे समझ सकते हैं y इज इक्वल टू log 100 विथ बेस 10। ये इसको दर्शाने का तरीका है और पढ़ने का तरीका। इसको क्या पढ़ेंगे, y इज इक्वल टू log a विथ बेस b, log a विथ बेस b, ठीक है, समझ में आई बात, क्या कह रहा हूं मैं।
तो ये लॉग को पढ़ने और दर्शाने की चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। अब समझते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, उनके बारे में देखते हैं, समझिए। चलिए देखिए कि लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल आसान चीज है, कुछ प्रॉपर्टी है उनको ध्यान रखना है, बस चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, पहले एक इसका ग्राफ भी होता है जो आपको याद रखना है फिलहाल, ठीक है। ग्राफ है, चलिए ग्राफ से पहले कुछ डोमेन की कंडीशन है पहले वो देख लेते हैं, तब ग्राफ की बात और आगे करेंगे, ठीक है। तो डोमेन कैसे देखते हैं, डोमेन कहने का मतलब क्या होता है, आपके लिए डोमेन भी नई चीज है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ और इसकी डेफिनेशन भी लिखाता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू लॉग ए विथ बेस बी, ठीक है। अब ये ए कहने का मतलब ए यहाँ पर कोई नंबर नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि हर बार कोई नंबर हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ लॉग एक्स स्क्वायर विथ बेस 10 ऐसे, या ऐसा भी हो सकता है वाई इज इक्वल टू लॉग 10 विथ बेस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, या ऐसा हो सकता है लॉग एक्स विथ बेस पी, यहाँ एक्स भी वेरिएबल है पी भी वेरिएबल है, दोनों स्थिति हो सकती है, दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, या बेस भी वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ क्या है, इस स्थिति में बेस वेरिएबल है और जो इंडेक्स है वो कांस्टेंट है, इस स्थिति में इंडेक्स वेरिएबल है और बेस कांस्टेंट है, यहाँ दोनों के दोनों कैसे हैं, वेरिएबल है, ठीक है ना, समझ में आ रही होगी बात मैं क्या कह रहा हूँ। तो बात यहाँ ये है कि वेरिएबल हो सकता है, कब कांस्टेंट हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर होते हैं तो कांस्टेंट होते हैं, जैसे 10, 20, 50, 100 ये सब क्या है, ये सब नंबर है, ये सब कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं एक्स है, वाई है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, या कुछ भी है, x+2 है, x+5 है, जो भी है, ये सब एक्स है या जेड पी कुछ भी करके, ये सब वेरिएबल है, क्या है, ये सब वेरिएबल है। और चिंता हमें ज्यादा तब करनी है जब बात वेरिएबल की आए, ठीक है। वैसे स्थिति में डोमेन की बात होती है, डोमेन क्या होता है, वो सारे कंडीशंस जिनका पालन करना है। जैसे कोई भी खेल है, क्रिकेट का खेल है, अपना एक नियम होता है ना कि इस साइड पर एक कोई खेलता है, एक उस साइड पर खेलता है, गेंद मारता है, फिर दोनों रन लेते हैं, एक खेल का नियम है। फुटबॉल का अपना नियम है, जैसे क्रिकेट में नियम होता है कि बाउंड्री पे बाहर गया तो चौका हुआ, उड़ के गया तो छक्का हुआ, ठीक है। फुटबॉल का अपना नियम है, हॉकी का अपना नियम है, फुटबॉल में अब हाथ से तो नहीं खेलना है, पैर से खेलना है और गेंद को पहुंचाना है गोल पोस्ट में, ये नियम है। हॉकी में अपना नियम है कि डंडे के सहारे खेलना है, उस गेंद को फिर उसमें भी गोल पोस्ट में पहुंचाना है, ठीक है। तो ये जो नियम है ना, हम इस बात को भी ऐसे कह सकते हैं कि हॉकी का अपना डोमेन है, क्रिकेट खेलने का अपना डोमेन है, फुटबॉल का अपना डोमेन है, उसी प्रकार से लॉग का भी अपना डोमेन है। मतलब कुछ जो नियम कायदे कानून जो रेस्ट्रिक्शन है, उन रेस्ट्रिक्शंस को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। उन रेस्ट्रिक्शंस को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो होते क्या है, पहले तो उस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है डोमेन की, उस चीज को नोट डाउन करना है और याद करना है और दिमाग में बिठा लेना है कि वाई इज इक्वल टू लॉग ए विथ बेस बी। यहां पर हम ए और बी जो है इन दोनों को ये मान करके चल रहे हैं कि ये जो ए और बी है ये दोनों वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट है तब तो कोई चिंता ही नहीं है, कांस्टेंट है तो पता है कि कांस्टेंट के बारे में ये मैसेज तो क्लियर रहता है कि कांस्टेंट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, ठीक है। ये तो कांस्टेंट दिखता है कि दिख रहा है कि 5 लिखा है तो पॉजिटिव है, -10 लिखा है तो निगेटिव है, 0 लिखा है तो 0 है। लेकिन अब कहीं एक्स लिखा है तो पता ही नहीं कि एक्स क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, 0 है, क्या है, कुछ नहीं पता है, वेरिएबल है, वेरी कर सकता है, वेरिएबल। स्पेलिंग देख नाम सुना होगा, वेरिएबल मतलब जो वेरी कर सकता है, वेरी कर सकता है मतलब जो बदल सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है ना, जो बदल सकता है, चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएबल। एक्स वाई जेड ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां पर जो रेस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है, उसी का मैथमेटिकल नाम बोले या टेक्निकल नाम है वो डोमेन होता है। अब क्या क्या है भाई, तो पहली कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन 0, ए क्या होना चाहिए, 0 से
बड़ा, फिर से इनइक्वालिटी आ गई जो हमने सीखा था, वो इनइक्वालिटी जो शुरू में शुरू सीखा था, पिछले लेक्चर में सीखा था, वही चीज यहाँ वापस आ गई। दूसरी कंडीशन बी ग्रेटर देन जीरो, और तीसरी कंडीशन बी शुड नॉट बी इक्वल टू वन। ये तीन कंडीशन है, तीन रेस्ट्रिक्शन है, तीन कायदे हैं, तीन नियम है, कानून है, इनका पालन करना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द डोमेन। उसको क्या नाम दिया गया? डोमेन। मतलब ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू वन। ये तीन कंडीशन है, तीन रेस्ट्रिक्शन है, इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को क्या बोला जाता है? लॉग का डोमेन। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशंस ऑफ डोमेन ऑफ लॉग। ठीक है ना, लॉग के डोमेन की क्या है ये सब कंडीशन है। नोट डाउन कर ले, याद करेंगे इस बात को, बिल्कुल कायदे से एकदम दिमाग में बिठा के रखेंगे कि लॉग के डोमेन की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू लॉग 10 बेस 2, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कोई दिक्कत नहीं है? 10 जो है पॉजिटिव है, 2 जो है पॉजिटिव है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि इंडेक्स वाली चीज पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है भाई, 10 है पॉजिटिव है, कोई समस्या नहीं है। 2 बेस वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव है, कोई समस्या नहीं है। बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है, 2 जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं है। 2 तो अपने आप में 2 है, वो 1 के बराबर कहां से होगा? तो यहां पर जैसे इसमें लिखा हुआ है तो इसमें तीनों कंडीशन का बिल्कुल पालन हो रहा है। समझ में बात, बिल्कुल पालन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां आएगी? मान लीजिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ है log x with base 10, अब इसका डोमेन लिखना है तो क्या होगा इसमें? तो ये तो इसका तो पता है नहीं, ये क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल है तो x ग्रेटर देन 0, ये डोमेन की कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन अब 10 है तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता है कि 10 0 से बड़ा है, और तीसरा ये भी पता है कि 10 1 के बराबर है, तो इन सबको लिखेंगे भी नहीं, ये वेस्टेज है। ठीक है, यहाँ जो जब वेरिएबल आएगा तभी डोमेन की कंडीशन आएगी। ठीक है, मतलब अगर इसका पूछे कि को इसका डोमेन को क्या है तो x ग्रेटर देन 0, या इसको ऐसे बोले तो x बिलोंग्स टू 0 से इनफिनिटी, ये इसका डोमेन है। किसका? इस वाले का डोमेन है x बिलोंग्स टू 0 टू इनफिनिटी। ठीक है, अब कोई कहे कि इसका क्या है भाई, तो लॉग अगर कहीं लिखा हुआ है 2 बेस 1, तो देखिए इसमें डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसमें ये तो पॉजिटिव है लेकिन तीसरी कंडीशन का पालन नहीं हो रहा। तीसरी कंडीशन क्या है भाई? तो तीसरी कंडीशन ये कह रहा है कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन बेस तो 1 है, मतलब दिस लॉग इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करें। अब इसको मैं समझा रहा हूँ, देखिए कि पहली बात कि कौन सा लॉग डिफाइन है, कौन सा लॉग डिफाइन नहीं है, ये तो मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा डोमेन का भी प्रैक्टिस करते हैं। प्रॉपर्टी पर जाने से पहले आपको डोमेन की कंडीशन बता दिया, इस कंडीशन को नोट डाउन करके रट लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे कि भाई इंडेक्स जो होता है ऊपर में लिखा हुआ उसे पॉजिटिव होना एकदम अति आवश्यक है। जो बेस है That base must be positive. Base भी positive होना अति आवश्यक है, और जो base है वो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तीन बातें हैं यहाँ पर, इन तीनों का पालन strictly होगा तभी log परिभाषित होगा। चलिए log के बारे में एक और छोटी सी बात देखते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि y is equal to log a with base b, ठीक है, y is equal to log a with base b, और अगर उस कंडीशन का पालन हो रहा है, ये तो मतलब सबसे प्राइमरी चीज है, इसके बिना तो कुछ हम कलम नहीं उठाएंगे, कि अगर ऐसा हो रहा है कि a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, एंड b नॉट इक्वल टू 1 है, ये तो सारी बातें तब होगी जब ये होगा। बिना डोमेन का तो कुछ भी नहीं होगा, डोमेन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इतना जोर डाल के बोल रहा हूं, मतलब समझिए कितनी सीरियस बात हो रही है। तो ये जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये लॉग हटाएंगे, मतलब एक तरीके से हम
एंटी लॉग ले रहे हैं, ठीक है ना, या एंटी लॉग ले या लॉग को आम भाषा में बात करें तो लॉग को अगर हम हटाना चाह रहे हैं, तो हटाना चाह रहे हैं तो भाई हटाएंगे कैसे, तो बी की पावर वाई बराबर ए, बी की पावर वाई बराबर ए, समझ में आई बात। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बराबर बी की पावर वाई, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है कि वाई इज इक्वल टू लॉग 100 विथ बेस 10, अब कोई पूछे कि वाई की वैल्यू बताओ तो करेंगे क्या, करेंगे कुछ नहीं, मतलब प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, तो क्या लिखेंगे 10 टू द पावर वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब 10 टू द पावर वाई इज इक्वल टू उधर 100 को 10 टू द पावर 2 लिखेंगे, और जब 2 लिखेंगे तो कंपेयर कर देंगे सीधे, वाई बराबर क्या मिल जाएगा 2। तो यहां से हमने ये निष्कर्ष निकाला उस क्वेश्चन के तहत कि लॉग 100 विथ बेस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है, समझ में आई बात। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर कहीं हो कि लॉग 16 विथ बेस 2, तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो मान लिया मैंने दिस इज इक्वल टू वाई, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर वाई, और 16 को हम 2 की पावर 4 और 2 की पावर वाई, मतलब वाई बराबर सीधे कंपेयर करने से क्या मिला 4, ठीक बात है ना, समझ में आई कहानी क्या कह रहा हूं मैं। तो ये हुई लॉग की एकदम बेसिक सी बात कि कैसे यहां पर लॉग से लॉग की वैल्यू निकाली जा रही है। देखे इसको नोट डाउन करें और समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है ना। तो यह सारा कार्यक्रम होगा तब जब डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि गाड़ी नहीं आगे बढ़ेगी। दिखाया मैंने कि अगर कहीं पर लॉग 2 बेस 1 है तो भाई क्या है, वो डिफाइन ही नहीं है, कहानी खत्म, सीधा एक शब्द का जवाब होगा कि दिस इज नॉट डिफाइंड, कहानी समाप्त, ठीक है ना। तो डिफाइंड होगा तभी कुछ आगे गाड़ी बढ़ेगी, ठीक है। अब इसमें लॉग में भी दो तरह के लॉग होते हैं, लॉग जो है ये दो तरह के होते हैं, मतलब किस तरह का मतलब क्या होता है वो अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा बोर्ड अच्छे से साफ कर लूँ कि क्लियरली विजिबल होगा आपको, ठीक है, ग्राफ बनाना है अभी इसलिए। y इज इक्वल टू log a विथ बेस b, ठीक है। अब टाइप मैंने क्या कहा, मैंने जो डोमेन की कंडीशन लिखी थी उसको वापस लिख रहा हूं यहां पर, ये जो डोमेन की कंडीशन है तो भाई क्या कंडीशन है, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ये तीन कंडीशन है यहां पर। अब ये जो तीन कंडीशन है तो B के बारे में जरा सा गौर करेंगे, B के बारे में दो कंडीशन है, तो क्या क्या कंडीशन है, B के बारे में दो कंडीशन है कि B जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और B 1 से इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन को अगर मिला करके मैं बात करूं तो इन दोनों कंडीशन को कंबाइंडली आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि B जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसे लिख सकते हैं b belongs to 0 से 1 union 1 से infinity, ठीक है, मतलब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 0 पर ओपन 1 पर ओपन और इधर भी, मतलब 0 से 1 के बीच का हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। यही दो संभावनाएं हो सकती है कि 0 से 1 के बीच का है या 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये बेस की कंडीशन है कि बेस या तो 0 से 1 के बीच का होगा या 1 से इंफिनिटी के बीच का हो सकता है, ठीक है। तो यहां वाली कंडीशन है कि बेस 0 से 1 और यहां वाली कंडीशन है बेस 1 से, ये मैंने दो भागों में बांट दिया, ठीक है, कि या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। तो अगर बेस 0 से 1 के बीच का है तो ग्राफ अलग बनेगा, वो लॉग अलग होगा और इस स्थिति में लॉग की कहानी अलग होगी।
इस लॉ को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग, और इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। आगे आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, इसका डिटेल कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर में, ठीक है। चलिए, जब ये 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब कैसा हो सकता है, एग्जाम्पल देखें। जैसे ऐसा हो सकता है log 8 विथ बेस हाफ, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है log 10 विथ बेस 1/5, log 50 विथ बेस 1/3, एग्जाम्पल ले रहे हैं, log 100 विथ बेस 2 to the power -1। 2 to the power -1 कोई बड़ी चीज थोड़ी हुई, यही तो है हाफ वाली चीज है। 2 to the power -1 क्या हुआ, हाफ हुआ, ठीक है। ये सारे जो है, इन सब में बेस आप देखेंगे ना, तो बेस जो है वो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होना तो कंपलसरी है, 1 के बराबर हो नहीं सकता है, तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है। अब ये जरा सा इंक्रीजिंग वाला केस भी समझते हैं। इंक्रीजिंग वाले केस में क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग वाले केस में ये कह रहा है कि जो बेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो भाई वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से बड़ा होना चाहिए तो कैसा हो सकता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। एग्जाम्पल कह रहा है कि लॉग यहां पर जो है 3 विथ बेस 2 हो सकता है, लॉग 10 विथ बेस 16 हो सकता है, ठीक है ना, लॉग 50 विथ बेस 5 हो सकता है, ठीक है, और भी चीजें, ठीक है, लॉग 10 विथ बेस 2, कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 से बड़ा। बेस यहां फोकस मैंने किस बात पर किया, यहां फोकस मैंने इस बात पर किया जो बेस है वो 1 से बड़ा है, उसका मैंने जस्ट यहां एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाया कि किस तरीके से कैटेगराइजेशन हो सकता है, ठीक है। अब आप याद क्या रखेंगे कि यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बेस जो है वो 1 से छोटा है तो भाई कितना छोटा है, तो 1 से छोटा कितना हो सकता है, तो 1 से छोटा 0 तक हो सकता है हार्डली, पीछे क्योंकि 0 से पीछे जा नहीं सकता है। और 1 से बड़ा है तो बड़ा तो खैर कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को कि 1 जो है वो नहीं होगा, न 1 इधर में न 1 उधर में, ठीक है। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस बात को ध्यान रखेंगे। ग्राफ अभी देखते हैं इसका कि कैसा दोनों स्थिति में ग्राफ बनता है, इंक्रीजिंग के केस में क्या कहानी है और डिक्रीजिंग के केस में क्या कहानी है, दोनों ग्राफ को गौर से देखते हैं, ठीक है। जैसे इंक्रीजिंग में कैसा ग्राफ बनता है और डिक्रीजिंग में किस प्रकार का ग्राफ बनता है, देखिए। एक वाला जब डिक्रीजिंग वाला, डिक्रीजिंग वाला जब कब, तो डिक्रीजिंग वाला तब जब बेस बिलोंग्स टू 0 से 1, और इंक्रीजिंग वाला तब जब बेस बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। इस स्थिति में क्या है, तो इस स्थिति में इस प्रकार का ग्राफ है ये, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और इस स्थिति में ग्राफ कैसा बनेगा भाई, तो इस स्थिति में ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। दोनों लॉग के ही ग्राफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जो ग्राफ है वो दोनों के दोनों ग्राफ लॉग के ही ग्राफ है, लेकिन कंडीशनल ग्राफ है। एक कंडीशन पर अलग ग्राफ है, दूसरे कंडीशन पर अलग ग्राफ, ठीक है। गौर से बारीकी से नोट करें दोनों ग्राफ को कि कौन सा ग्राफ कब होगा। इनका इस्तेमाल हम आगे करेंगे, इन सब सारे कंसेप्ट को धीरे धीरे आगे इस्तेमाल करेंगे। अभी सारी जानकारियां हम जुटा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करके जानकारी यहाँ से हमें मिल रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप बना ले और ग्राफ को याद रखेंगे कि किस प्रकार से ये ग्राफ इसका बना, ठीक है। चलिए, अब इस ग्राफ को मिटाते हैं और समझे कि कब कौन सा इंक्रीजिंग है और कब कौन सा डिक्रीजिंग। अभी ग्राफ का इस्तेमाल बस इतना है आपको कि ग्राफ को आपको याद रखना, बस ग्राफ का यूज करेंगे, आगे करेंगे। इवन अभी 11th में कम ही होगा बेसिकली, तो ये 12th में खूब ज्यादा होगा,
और उस समय आप थोड़े कहेंगे कि अभी ग्राफ पढ़ाते हैं, तो अभी से आप पढ़ के रहेंगे तो और अच्छा रहेगा दिमाग में पक्का। इसे उस वहां भी बताएंगे एओडी के समय भी, लेकिन इतनी बेसिक बातें नहीं होंगी। ठीक है, तो ग्राफ को आप बना लें, याद रखें, और रास्ते में बहुत बार यूज करेंगे। रास्ते में कहने का मतलब कि अभी जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, और एओडी जो होगा वो 12th का आधा, जब 12th का अगर पूरा बोले कि 12th का जो भी कोर्स है उसका आधा चैप्टर है, तो अभी से वहां तक के सफर में रास्ते में बहुत बार लॉग के ग्राफ की जरूरत होगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये ग्राफ कब है, जब डिक्रीजिंग हो। डिक्रीजिंग कब है, मतलब बेस जो है 0 से 1 के बीच का है। वो ग्राफ कब है, तो वो ग्राफ तब है जब इंक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग का मतलब वो जब 1 से इन्फिनिटी है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इस ग्राफ को देख सकते हैं ये ऊपर जा रहा है। अच्छा, एक चीज गौर करें कि निगेटिव एक्स में कोई ग्राफ नहीं है, यहाँ इस थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ नहीं, यहां भी कोई ग्राफ नहीं है। तो भाई क्यों ग्राफ नहीं है, क्योंकि यही इनपुट होता है। ये क्या होता है, इनपुट होता है लॉग का, ये ए। क्योंकि ए निगेटिव हो ही नहीं सकता है, ए जब होगा तो पॉजिटिव ही होगा, तो कहां से होगा, निगेटिव में कुछ इनपुट ले ही नहीं सकते, तो निगेटिव में कोई ग्राफ होगा ही नहीं। आई बात समझ में, तो इस वजह से यहां कहा गया है कि निगेटिव में कोई भी ग्राफ उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि इनपुट में निगेटिव लेना ही नहीं है। जो ए ग्रेटर देन है, ए को है क्या होना है, ग्रेटर देन 0 होना, ए को 0 से हमेशा बड़ा होना। ठीक है, चलिए इस ग्राफ को मिटाते हैं और आगे की कहानी को समझते हैं। आगे अब क्या करना है आपको, अभी ग्राफ दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। हम अभी अब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर लॉग की इक्वेशन देखेंगे उन्हीं प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से, फिर उसके बाद लॉग की इनइक्वालिटी है, फिर लॉग में मॉड को मिक्स करेंगे, बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है, चलिए अभी पहले आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल बिना प्रॉपर्टी के बताते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फाइंड वैल्यू, जैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लॉग 100 विथ बेस 10, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकलेगी। तो मान लिया कि y इज इक्वल टू लॉग 100 विथ बेस 10। ठीक है, सिंपल तरीका, 10 to the power y इज इक्वल टू 100, 10 to the power y इज इक्वल टू 10 to the square, देन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और एग्जांपल लेके देखते हैं, फाइंड वैल्यू इधर भी लॉग, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या करेंगे, मान लेंगे दिस इज इक्वल टू वाई, तो 10 और 24 इज इक्वल टू 2 to the power y। 10 और 24 का मतलब क्या हुआ, याद करें 2 की पावर 10 हो जाता है, 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 2 to the power y। सीधा कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू 10, पावर से पावर का कंपेरिजन होगा एंड y विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, करें नोट डाउन इसको, वीडियो को रोक करके। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल, तो इनमें भी वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं कहा गया हो कि फाइंड वैल्यू, ठीक है, और बोला जाए क्या कि लॉग 16 विथ बेस हाफ, तो क्या करेंगे, मान लिया दिस इज इक्वल टू वाई, लेट, अब क्या करेंगे, 16 इज इक्वल टू हाफ टू द पावर वाई। अब या तो हाफ को बना दे 2, हाफ को 2 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, हाफ को हम लिख सकते हैं ना 2 to the power -1। ठीक है ना, दो रास्ते हैं, या तो हाफ को बना ले 2 के फॉर्म में, मतलब बेस बदल ले, जो अभी बेस हाफ है उस बेस को कितना कर लिया 2, या जो 16 है इस 16 को बना देते हैं हाफ के फॉर्म में, हाफ की पावर। ठीक है ना, जैसे 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है ना, तो हाफ की पावर -4 = 16 हो जाएगा। देखें, हाफ की पावर क्या हो जाएगा, -4, ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो हाफ की पावर माइनस चार इज इक्वल टू हाफ टू द पावर वाई, कंपेयर करेंगे वाई बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस चार। ठीक है, अगर उधर वाले को भी बदलते तो कैसे कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। कैसे, जैसे 16 और इसको 2 टू द पावर माइनस 1 और पावर वाई, तो 16 बराबर 2 टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर माइनस वाई, 4 इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू माइनस 4 आया यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे भी लिख, दोनों तरीके से आंसर सेम आया। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हुए हैं कि वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कि लॉग कुछ दे रखा है कि लॉग जैसे 16 बेस हाफ, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, तो ये निकाला हमने कि इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, करें इसको नोट डाउन। आगे फिर लॉग की कुछ, ये तो इस बेसिक एग्जांपल ये लॉग के, अब कुछ लॉग के प्रॉपर्टी को देखते हैं, कैसे लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। ठीक है, चलिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बोले फॉर्मूला बोले एक ही बात है। ठीक है, ये जो लॉग की प्रॉपर्टी है, तो क्या प्रॉपर्टी है भाई पहली, तो लॉग ए विथ बेस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर बेस और इंडेक्स दोनों सेम हो गए तो वैल्यू कितनी होगी लॉग की, 1। ठीक है ना, क्लियर है। ऐसे भी जो हम वैल्यू निकाल रहे थे उस तरीके से भी देखेंगे तो ए की पावर 1 ही ना ए आएगा। है, खुद सोच के देखिए कि ए की पावर उधर कितना आएगा, अगर वहां जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 की जगह मैं अगर वाई मान लूं, तो ए की पावर वाई, ए बराबर ए टू द पावर वाई, तो वाई बराबर कितना आया, 1। तो इसको जनरलाइज करके एक फॉर्मूला की शक्ल दे दिया, तो क्या शक्ल दे दिया फॉर्मूला की, तो अगर बेस और इंडेक्स दोनों हो गए सेम तो वैसी स्थिति में वैल्यू आएगी 1। ठीक है, चलिए लॉग 1 विथ बेस बी इज इक्वल टू 0। अगर बेस जो है कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि 10 माइनस 10 और माइनस 20, कुछ भी का मतलब डोमेन के अंदर हो, मतलब 0 से 1 के बीच का हो या 1 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, या ऐसा कुछ भी कहने का मतलब ये नहीं कि -5 हो जाएगा, या कुछ भी कहने का मतलब डोमेन की कंडीशन में कुछ भी हो। ठीक है ना, और इंडेक्स अगर 1 हो तो वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी, लॉग ए विथ बेस बी, ठीक है, प्लस लॉग सी विथ बेस बी, मतलब दो लॉग हैं, दोनों का बेस सेम है, बेस कितना है भाई, तो बेस दोनों का बी है और इंडेक्स अलग अलग है, पहले लॉग का इंडेक्स ए है, दूसरे लॉग का इंडेक्स सी है और बीच में प्लस है, तो लॉग ए सी विथ बेस बी। ठीक है, लॉग ए सी विथ बेस बी। ठीक है, चौथा, ये क्या हो जाएगा, लॉग ए डिवाइडेड बाई सी विथ बेस बी। देखे, गौर करें, प्लस था तो ए और सी गुना हो गया, यहाँ ए सी हो गया, और माइनस था तो डिवाइड में आ गया, ए डिवाइडेड बाई सी हो गया। ठीक है ना, दोनों बातें को गौर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चार प्रॉपर्टी हो गई, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी देखें, लॉग ए विथ बेस बी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई लॉग बी विथ बेस ए। ठीक है ना,
चीजें उलट गई। चीजें क्या हो गई? उलट गई, मतलब जो इंडेक्स था वो बेस बन गया और जो बेस था वो इंडेक्स बन गया, ठीक है ना। लॉग ए विथ बेस बी इज इक्वल टू 1 बाई लॉग बी विथ बेस ए, समझ में आई बात? ठीक है, ये पांचवी प्रॉपर्टी हुई। छठवीं प्रॉपर्टी देखें, लॉग ए की पावर अल्फा विथ बेस बी। ए की पावर क्या है? अल्फा, ठीक है। मतलब ए की पावर में जो चीज लिखा हुआ है ना वो अब इधर आ जाएगा गुना में, मतलब ये बन जाएगा अल्फा विथ लॉग ए विथ बेस बी। ए की पावर अल्फा, जैसे एग्जांपल आपको, चलिए यहीं इसका एक लेके दिखाता हूँ। जैसे कहीं ऐसा लिखा हुआ है लॉग एक्स स्क्वायर विथ बेस 10, तो ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लॉग 2x विथ बेस 10, ऐसा हो जाएगा 2 लॉग एक्स विथ बेस 10, ठीक है। या अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि लॉग 10 की पावर 5 विथ बेस 10, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा 5 लॉग 10 विथ बेस 10, ठीक है। और चलिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं। आप देखें इसका सॉल्यूशन विथ लॉग 10 विथ बेस 10, देखें आप इस लॉग को देखेंगे गौर करके तो इंडेक्स और बेस दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो वैल्यू कितनी होगी? 1, 1 होगी, तो 5 × 1 बराबर 5, तो इसका जवाब क्या आया? इसका जवाब आया 5, ठीक है। तो इस प्रकार ये 6 प्रॉपर्टी हुई। आप इसको आराम से नोट डाउन करें, वीडियो को देखें, फुल बोर्ड विजिबल होगा, नोट डाउन करें, और वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं पहले फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? तो पहली प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि भाई अगर बेस और इंडेक्स दोनों सेम होंगे तो वैसी स्थिति में वैल्यू 1 होगी, दोनों अगर सेम हो गए वैल्यू 1 होगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है? तो लॉग 1 विथ बेस बी है, लॉग 1 विथ बेस बी, तो लॉग 1 विथ बेस बी है, तो बताया इसमें कि जब भी कभी इंडेक्स जो है वो अगर 1 हो जाए तो वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो लॉग ए विथ बेस बी प्लस लॉग सी विथ बेस बी। बेस जो है दोनों स्थिति में बी है और इंडेक्स ए और सी है, तो वो क्या हो जाएगा? लॉग ए सी विथ बेस बी, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? तो लॉग ए विथ बेस बी माइनस लॉग सी विथ बेस बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई सी विथ बेस बी, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी उलटने का, स्वैप करने का, बेस चेंज किया एक तरीके से, तो लॉग ए विथ बेस बी इज इक्वल टू 1 बाई लॉग बी विथ बेस ए, ठीक है, उलट गया। छठवीं प्रॉपर्टी में क्या था? कि ए की पावर अल्फा, अल्फा इधर आ गया और अल्फा लॉग ए विथ बेस बी, इसका ये एग्जाम्पल लेके बताया आपको, एक्स स्क्वायर हो तो ऐसी कहानी होगी। अब आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा, इसी दौरान मैंने इसे दोबारा भी समझाया, क्योंकि चीज नई थी इसलिए दोबारा जोर डाल करके फिर से समझाया, ठीक है। आइए अब आगे की प्रॉपर्टी कंटिन्यू करते हैं। छठी प्रॉपर्टी के बाद सातवीं प्रॉपर्टी पर चलते हैं कि क्या है सातवीं प्रॉपर्टी, देखिए। अब सातवीं प्रॉपर्टी में जैसे अभी जो आपने अल्फा देखा वो किसके ऊपर लगा था? वो लगा हुआ है इंडेक्स के ऊपर में, अभी जो इसके बाद लगाएंगे वो बेस के ऊपर में लगाएंगे। चलिए देखिए सेवेंथ प्रॉपर्टी की बात करें, फिर दोनों को मिला देंगे छठे और सातवें। चलिए यहाँ पर बी की पावर अल्फा नहीं करके, या अल्फा ही करते हैं, छोड़िए अल्फा नहीं बीटा कर लेते, बीटा। तो अभी क्या होगा कि ये बीटा इधर आएगा गुना में, ठीक है, लेकिन जब आएगा तो ये 1 बाई बीटा होकर के आएगा। क्या होकर आएगा? 1 बाई बीटा होकर के आएगा, ये इधर से चला तो इधर होगा, तो 1 बाई बीटा लॉग ए विथ बेस बी, ठीक है। छठी प्रॉपर्टी क्या थी? वापस यहां लिख दे रहा हूं, छठी प्रॉपर्टी थी लॉग ए विथ बेस अल्फा बी, तो अल्फा लॉग ए विथ बेस बी, ठीक है ना।
अब क्या है, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद इन दोनों को हम मिक्सअप कर देंगे, इन दोनों प्रॉपर्टी को हम मिक्सअप कर देते हैं एक साथ। जैसे अगर ऐसा हो, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, अब क्या है भाई दोनों को, तो दोनों का अपना जैसे जैसे नियम था वैसे वैसे होगा। अल्फा ऊपर से आएगा तो सीधे आ जाएगा, नीचे से बीटा जाएगा तो 1/2 होके जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा और नीचे से इधर बीटा और लॉग ए विथ बेस बी, ठीक है। एग्जाम्पल एक एक लेके आपको दिखाते हैं, तब क्लियर होगी चीजें और ज्यादा। इसका तो ले लिया था एग्जाम्पल, इसका लेते हैं। कहीं अगर ऐसा हो कि लॉग 100 विथ बेस 10^3, ठीक है, लॉग 100 विथ बेस 10^3। अब ये जो 3 है ये इधर जाएगा, तो 3 उधर जाएगा तो 3 बन के ही नहीं जाएगा, क्या बन के जाएगा, तो भाई तो 1/3, 1/3 लॉग 100 विथ बेस 10, ठीक है। ऐसे ये इसमें चेंज होगा, आगे इसकी जो वैल्यू होगी आनी होगी सो आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि लॉग 16 विथ 2^3, या 2^3 मान लीजिए कि 4, तो ये जो 4 है ये जब इधर जाएगा इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो बेस में जो भी लिखा रहता है वो वहां जाएगा, तो 1/2 हो करके जाएगा। तो 1/2 होगा तो क्या होगा, 1/4 लॉग 16 विथ बेस 2, ठीक है। आइए आठवें आठवीं प्रॉपर्टी के एग्जांपल लेते हैं। आठवीं प्रॉपर्टी क्या कह रही है, दोनों का मिक्सअप है। जैसे कहीं अगर ऐसा है कि लॉग 5^10 और 2^6, ठीक है। अब होगा क्या कि 10 तो आएगा इधर और 6 जाएगा इधर, तो 6 क्या बन के जाएगा, तो 6 बन के जाएगा 1/6। तो ये बन जाएगा 10 इंटू 1/6 लॉग 5 विथ बेस 2। गौर से देखें ये क्या बन जाएगा, 10 इसी प्रकार से आया, 6 1/6 हो गया और लॉग 5 विथ बेस 2, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज 10/6 लॉग 5 विथ बेस 2, ठीक है, 10/6 लॉग 5 विथ बेस 2। समझ में आई कहानी, करें इसको नोट डाउन। मैं एग्जांपल मिटा दे रहा हूँ, आप प्रॉपर्टी को लिख लिए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। लिख लें, नोट डाउन कर लें एग्जाम्पल को। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी है, इधर 6, 7, 8 प्रॉपर्टी को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए आठवें के बाद 9th प्रॉपर्टी, ठीक है। 9th प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, तो इसको मैं अगर बोलता हूँ बेस चेंजिंग, तो बोल सकते हैं कि जैसे अगर कहीं लॉग ए विथ बेस बी है। अब कुछ क्वेश्चन की जरूरत इस प्रकार से है कि इसका बेस जो बी है इसको बदल के सी करना, क्या करना है सी, मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि जो बेस को बदल करके और सी कर देना। करेंगे कैसे, सिंपल तरीका, दिख रहा होगा इस समय बेस कितना है बी, इन दोनों लॉग का बेस कितना किया सी, इंडेक्स चला गया, इंडेक्स में जो बेस था ना वो नीचे वाले लॉग का इंडेक्स बन गया, जो बेस था वो नीचे वाले लॉग का क्या बन गया, इंडेक्स बन गया, दिख रहा होगा आपको। तो यही है बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग थ्योरम, जो भी नाम दे, नाम में कुछ नहीं रखा, ठीक है। तो अब एग्जांपल एक लेकर के समझते हैं कि क्या कह रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस समय क्या लिखा हुआ है, तो लॉग 100 विथ बेस 2, लॉग 100 विथ बेस 2, ठीक है। इसका कुछ
कुछ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे इस लॉग को चेंज करके इसका बेस बनाना है 5, 5, ठीक करें, तो 5 कैसे बनाएंगे? दिख रहा है आपको जो बनाना था, 5 ऊपर नीचे लॉग तोड़ा, 5 बेस, 5 ये कर दिया, 100 गया 100, 2 गया यहाँ, ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ से देखें इसे, एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक और एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर कहीं है लॉग 16 विथ बेस 3। अब ज़रूरत ऐसी है कि इसका मैं बेस बनाऊँ 2, तो करूँगा कैसे? ऊपर नीचे लॉग, बेस 2, बेस 2, यहाँ 16, यहाँ 3, ये हुई कहानी। किसमें बदल गया? लॉग 16 विथ बेस 3, ये बदल गया लॉग 16 विथ बेस 2 डिवाइडेड बाई लॉग 3 विथ बेस 2, इसमें ये चेंज हो गया, ठीक है? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम या फॉर्मूला। फॉर्मूला ही बोलिए, थ्योरम क्या बोलिए? करें इसको नोट डाउन आराम से, ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो 9th तक हमने देखा, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, 10वीं प्रॉपर्टी। जैसे अगर मान लीजिए कि सी की पावर लॉग ए विथ बेस पी, क्या लिखा हुआ है? सी की पावर लॉग ए विथ बेस बी, ठीक है, तो सी की पावर में है ये। अब यहाँ पर इस ये जो प्रॉपर्टी कहता है वो क्या कहता है कि इस बेस को सेम रखते हुए, मतलब कांस्टेंट बिना बदले हुए, ठीक है, इन दोनों को बदल दिया जाए तो वैल्यू सेम रहती है। ये कह रहा है कि ए की पावर लॉग सी विथ बेस बी, ठीक है ना, दिख रहा है? कहने का मतलब कि चेंज किया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जैसे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि 5 की पावर लॉग 10 विथ बेस 2 है, तो इसे मैं क्या बदल सकता हूँ? 10 की पावर लॉग 5 विथ बेस 2, ठीक है ना? 2 अपनी जगह पर रहा, लॉग अपनी जगह पर रहा, बदला कौन? किसको आपस में इंटरचेंज किया? क्या किया? इंटरचेंज। इंटरचेंज किया कैसे? तो भाई 10 और 5 दोनों को आपस में बदल दिया, स्वैप कर दिया, इसको चेंज कर दिया, इनको आपस में इंटरचेंज किया, ये तो ये मिला, और इससे जो है कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है? एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे अगर 100 की पावर लॉग 25 विथ बेस 4 था, तो ये 25 की पावर लॉग 100 विथ बेस 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? करें इसको नोट डाउन। ये भी ये जो 10 प्रॉपर्टी हुई, और तो अभी कुछ आई थिंक छूटा नहीं है, यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी बता दी है लॉग की, कोई छूटा होगा तो उसके लिए फिर से आगे जहाँ क्वेश्चन की जरूरत होगी उस हिसाब से बता ही देंगे, ठीक है ना? तो ये 10 प्रॉपर्टी हुई, इनको याद करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट डाउन करेंगे इन्हें, और कॉपी में नोट्स बनाएं इनका और लिखें और चीजों को कंठस्थ करें, ठीक है?
करें इनको नोट डाउन, फिर इनके हम एग्जाम्पल देखेंगे और आगे और भी चीज़ें लॉग के कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमने देखा, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले लॉग के बारे में देखा, लॉग के डोमेन की कंडीशन देखी, लॉग के डोमेन की कंडीशन के बाद हमने लॉग का ग्राफ देखा, ग्राफ में दो बातें देखी, क्या क्या देखी कि अगर इंक्रीजिंग है तो कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग है तो कैसा ग्राफ है, ठीक है ना। दोनों ग्राफ के बारे में देखा, तो इंक्रीजिंग कब होता है, तो भाई इंक्रीजिंग तब होता है जब बेस जो है 1 से बड़ा हो। डिक्रीजिंग कब होता है, जब बेस जो है 0 से 1 के बीच का है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, कुछ लॉग के बारे में देखा कि लॉग की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू कैसे निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए क्या देखा हमने कि लॉग वैल्यू निकालने के लिए वाई मान लेते हैं और चेंज कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या देखा, लॉग की प्रॉपर्टीज देखी, लॉग की कितनी प्रॉपर्टी देखी, तो 10 प्रॉपर्टी देखी लॉग की, 10 प्रॉपर्टी एक एक करके उनको देखा कि पहली प्रॉपर्टी देखी कि अगर बेस और ये दोनों सेम हो फिर भी इंडेक्स 1 हो, इस प्रकार से ये लॉग के हमने 10 प्रॉपर्टीज को किया, ठीक है। आप इन सारे प्रॉपर्टी को पढ़ें, ग्राफ पर आप सब तैयार करें। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है लॉग 15 विथ बेस 10 प्लस लॉग 25 विथ बेस 10। अब याद करें, ये जो प्रॉपर्टी लिखाया है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों का जो बेस है वो सेम है, कितना है तो भाई 10 है, 10 है, प्लस लगा हुआ है तो प्रॉपर्टी लगा के क्या कर देंगे, 15 गुना 25, ठीक है। यहाँ से ये मिल गया हमें, निकाल लेंगे 15 25 कितना है गुना करके। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि लॉग 15 विथ बेस 10 माइनस लॉग 25 विथ बेस 10 माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, 15 बटा 25 विथ बेस 10, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी लगाया। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 15 की पावर log 5 विथ बेस 10, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर log 15 विथ बेस 10, ठीक है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है log 15 विथ बेस 10, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 by log 10 विथ बेस 15। कहीं ऐसा लिखा हुआ है log 15 विथ बेस 10 और बेस बदलने के करना है अगर इसका हमको 50, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 50। अगर कहीं कुछ इस प्रकार से है, ये सब एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा है कि दिमाग नई चीजें, इसलिए इतना एग्जाम्पल ले रहा है। अपने पहली बार लॉग पढ़ा होगा तो एकदम क्लियर हो जाए चीजें। अगर कहीं इस प्रकार से है कि लॉग 15 का स्क्वायर विथ बेस 10, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये 2 log 15 बेस 10 बन जाएगा। अगर कहीं ऐसा है log 15 10 की पावर 3, तो 1 by 3 log 15 विथ बेस 10, ठीक है। अगर कहीं ऐसा है कि log 15 का स्क्वायर और 10 की पावर 4, तो 2 बटा 4 log 15 विथ बेस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हुई, लॉग की प्रॉपर्टी को हमने देखा, ग्राफ देखा, सारी चीजें देखी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने देखे, ठीक है। अब इन एग्जाम्पल्स को मिटाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार ये लॉग का हमारा ये पहला लेक्चर हुआ जो लॉग के बेसिक बातों को लेकर के था। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम लॉग के एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेंगे, बेसिक एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे और फिर और भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद लॉगरिथमिक इक्वलिटी इनइक्वलिटी लॉग लॉग में मॉड मिला करके, फिर अगर लॉग में अगर मान लीजिए कि
बेस वेरिएबल हो, ठीक है, अभी थोड़ा सा ट्रेलर दिखा देता हूँ कि अगर बेस वेरिएबल हो और इनइक्वालिटी हो तो वहाँ पर भाई बेस वेरिएबल, बेस मतलब कुछ भी हो सकता है, बेस 0 से 1 के बीच का भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, वेरी वेरी किया, वेरिएबल बेस हुआ, तो वैसी स्थिति हो तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में तो दोनों हो सकता है कि बेस अगर वेरिएबल है तो 0 से 1 के बीच का भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो दोनों संभावनाओं को लेकर के सॉल्व करेंगे। बातें ये अभी अगर नहीं भी समझ में आ रही होंगी तो कोई बात नहीं, आगे करके देखेंगे, उससे समझेंगे, ठीक है। तो ये सब लॉग की कहानी है जिनको हम आगे धीरे धीरे अभी कंटिन्यू करेंगे, और पीछे वाली चीज़ों को इसमें मिक्सअप करते चलेंगे। पीछे जो इनइक्वालिटी पढ़ा, मॉडुलस पढ़ा, मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ा, मॉडुलस इनइक्वालिटी जो दोनों का इनइक्वालिटी और मॉडुलस का मिक्सचर था उसको लॉग के साथ मिक्स कर देंगे तो लॉगरिथमिक मॉडुलस इनइक्वालिटी बन जाएगा, ठीक है ना। घबराना नहीं है, पेशेंसली काम करेंगे, धीरे धीरे हम चीज़ों को दुरुस्त करके समझ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।